चाय पिए के बेरा हो गे आवा जम्मो संगी हो, मोटरी गठरीला छोरा बहिनी देखा का कर घर मा हो। आवा संगी हुआ आज के कार्यक्रम आपके मयारू कार्यक्रम के मोटरीला छोड़ी जेकर नाम है चूल्हा चौकी। ता झोका भाई चित्रा बहिनी के माया प्रीत भरे राम राम जय जोहार। और आज हमन आए हन गंगानगर तीर एक झन बहनी के घर में। तो देखी काकर घर में आए हन, कौन है भाई घर में? राम राम बहनी हुआ। हाँ अच्छा, तो भाई आए हरे आपके घर। हाँ तो स्वागत है आपके आज के हमार कार्यक्रम चूल्हा चौकी में। और हमार सुनैया संगी मल्ला आप मन अपन परिचय देवा। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति संस्कार ला लेके चलैया मनखे आओ। बहुत सुघर लगे इस बहनी आपसे मिल के जुड़ के। और ये जो आपके संग में बहनी है इहू मन से हमन सादा निवेदन करत हन कि बहनी आप अपन परिचय देवा। मोर नाम अंजिता उपाध्याय हवे, मैं राजकिशोर नगर बिलासपुर से हूँ। और मोरो घर में छत्तीसगढ़ी व्यंजन संस्कृति ये सब के परिचय मैं देत रहत हूँ अपन लड़का मन ला। बहुत सुघर, बहुत ही अच्छा जानकारी दिया आप मन। तो आप मन दोनों एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो का कुछ कार्यक्रम करा था का जो दोनों बहनी आज एक संग हवा था? नहीं हमन दोनों इकट्ठा होके बस आपके इंतजार करत रहे हन कि आप ला बतान हमन है कि हम छत्तीसगढ़ी व्यंजन आज बफौरी बनाए हवो ओला आप मन ला खिलाऊ घलो और मोर संगवारी घलो खाई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अंजिता बहनी आप जैसे दीदी घर सुनीता बहनी घर आए हवा तो कुछ काम रही से का कारण से आए हा कि बफौरी खाया? बफौरी खाए नहीं, मतलब हमन काहे संगठन से भी जुड़े हुए हैं ना, अपन समाज के संगठन से है ना, तो ओखर कारण हमन के मिलना जुलना होत रहते ओखरे से ही परिचय हो है। और अपन संगठन में छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण संगठन से जुड़े हुए हैं हमन सब बहनी मन, तो वो ये सब व्यंजन ला हमन एक दूसर ला सिखाना, एक दूसर से अपन ज्ञान ला सब कोई ला बांटना, ये सब करत रहते हैं सब संग में। बहुत अच्छा। अच्छा आपके संगठन के नाम? छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण संगठन। अरे वाह, तो दीदी आप जुड़े? हाँ मैं जुड़े हुए हूँ। के जन हो ही आपके संगठन में, कै जन बहनी? बिलासपुर में तो कम से कम 400-500 बहनी मन जुड़े हुए हैं और एक हर मेन जो इकाई है वो रायपुर में है। अच्छा तो आओ एक हर जगह जगह भी हवा है? जगह जगह हर जगह में, हर जिला में, हर प्रांत में एक हर इकाई। तो यहाँ छत्तीसगढ़ प्रांत में आप मन के कैठो इकाई लगभग हो ही कुछ जानकारी? 10-12 ठन इकाई है। बहुत अच्छा, तब तब तो आप मन बहुत बड़े संगठन से जुड़े हवा। तो आपके संगठन के द्वारा का का काम बूता करे जाते जेकर से कुछ जमीनी स्तर में काम होते जेकर से सीधा कोई मनखे मन लाभान्वित हो? बिल्कुल, जमीनी स्तर पे जुड़ के हमन हाँ संगठन के कामला करत रही थन। अभी हमन हाँ रायपुर में जा कर के छत्तीसगढ़ युवक युवती परिचय सम्मेलन वृहद स्तर पे करे हन। और आप मन देखत हो कि समाज में, हमार समाज में या हर समाज में कहना चाहिए, तलाक के केस बहुत ज़्यादा बढ़त हुए है, तो ओहला निवारण करे बर और तलाकशुदा लड़का लड़की मनला हमन सब जब इकट्ठा करे हन और विधवा पुनर्विवाह ये सब चीज़ में हमन आगे बढ़त हन। और बिलासपुर में हमन पहली बार पिछले साल हमन करे रहे हन छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला के आयोजन। अरे वाह, तो इहो में खाए पिए के आई गए कही दो, खाए पिए ला संग में लेके खाए पिए ला संग में लेके चलत हन। ये बनावन चुरोवन वाला एक ठन कार्यक्रम, मतलब हमन अभी बीसी भी चालू करत हन अपन सब महिला संगठन के नारी प्रकोष्ठ बिलासपुर इकाई से, तो ओखर से का है सब महिला मन ला सब बहनी दीदी मन ला स्वरोजगार के अवसर मिले, जिसे कोई ला सिलाई कढ़ाई आते तो वो सब में आगे आना है, कोई मीठा खारा नमकीन है सब हमार अपन छत्तीसगढ़िया जिन आइटम है, तो ओखर से कुछ जरूरतमंद जिन बहनी मन है वो मन के कुछ आमदनी भी हो है, सब एक दूसर ला बतावें, ऐसे सब प्रयास है हमन के अभी। वाह भाई, देखा संगी हुआ कतका सुघर बहनी मन के संगठन चलत है। और ए संगठन से एमन बहनी मन ला जो बेरोजगारी के समस्या से ग्रसित हवा ओला एमन आगू भी बढ़ावा थे और ओला रोजगार भी उपलब्ध करा थे। बहनी ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम करा था। अच्छा आज आप हमन के सामने का? आज हमन आपके मन के सामने में छत्तीसगढ़ी व्यंजन है बफौरी तेला लेके आए हम। ता संगी हुआ बफौरी के स्वाद
मुंह भर में एकदम मिठास भर गए है, परंतु बफौरी के स्वाद ला आपो मन लखवाबो हमू ने वो ओकर पहली ले लेथन एक छोटा कन ब्रेक, फिर मिलबो ब्रेक के बाद बफौरी के साथ। राम राम। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है आपके अपन कार्यक्रम चूल्हा चौकी। और देखा हमन ब्रेक के पहली गोट बात करत रहें के कुछ खाए पीना खाना पीना है, तो लगत है हमारे संगवारी मन के भूख है एकदम बाढ़ गए और मुँह हो तो एकदम तुतरू भी हो गए दिखत है। तो आवा आवा भाई, ज़्यादा देरी नहीं करन और चलिन बफौरी के संग। हमारे बहनी मन भी अगोरा थे, तो बहनी आज आप मन जैसे कि बताए हैं बफौरी बनाए हो करके, तो बफौरी के बारे में हमारे संगी मला जानकारी देवा कि ये हर का चीज से बनते पहली एला बताओ। सब प्रकार के दाल ला धुले दाल ला हमन मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करे के बाद वो पीस देते हैं। सब प्रकार मतलब काका दाल, चना दाल, मसूर दाल, थोड़ा से उड़द दाल और मूंग दाल। तो एमन के मात्रा अलग अलग करना, एक एक मुठा अपन ले लेथन, एक एक मुठा सब दाल ले लेथन, उड़द दाल ला थोड़कन आधा मुठा ले लेथन। कम हाँ। और रात के दाल ला पूरा भिगो देथन और भिगो के बाद सुबेरे ओला निथार लेथन। निथारे के बाद मैं ओमा थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया डाल करके मिक्सी में पीस ले वहाँ। और पीसे के बाद ये दे ऐसा ये है तैयार हो गया। बहुत सुंदर। फिर ओकर बाद अब यही में हमन थोड़ा सा नमक मिला दे हैं और ओकर बाद फिर एला बफाइबर रखेंगे। तो मैं बफाइबर ये दे बर्तन ला आप मन के सामने में चढ़ा, ये गैस अपन में चढ़ा दे हम। और ओकर बाद यही ला हाथ में थोड़ा थोड़ा बड़े के आकार में एला डाल देंगे। हाँ, ये देखो ये तैयार है। अरे वाह, अच्छा ऐसने बनाना कि चपटी भी कर सकते, एला चपटी भी कर सकत है ना, आपला जैसे आकार के चाहिए वो आकार के आप बना सकत हो। मैं इसने गोल गोल बड़ी ऐसन बनाता हूँ। फिर ओकर बाद ये तो बफाइबर चढ़ा दिए है ना, चढ़ा देन एला कम से कम 10 से 15 मिनट एला बफा लेथन और बफाई के बाद फिर एला निकाल लेंगे। अच्छा, वो दाल में सिर्फ नमक डाले है कि और कुछ? पीसे के समय में है हरी मिर्ची, धनिया, हरा धनिया और अदरक और लहसुन अतका चीज डाल के पीस ले हूँ। और बस बाद में फिर अपन इसने वो कर देंगे अला बफा दे। हाँ, बफा देंगे। हाँ जी, देकर बाद बफाई के बाद ये आपकी इच्छा है कि आप एला बघार भी सकत हो, नहीं तो हमन बिना बघारे हमारे छत्तीसगढ़ में बिना बघारे इसने लहसुन मिर्चा के चटनी के साथ एला खाए जाते। अरे वाह, देखा भाई कतका सुघर बफौरी। तो एक नाम बफौरी मतलब बफाना। हाँ, बफाना, बफौरी के मतलब बफाना। अच्छा, तो दाल के जो मिंजरा दार रही थे छोटे थोड़ा थोड़ तेला पीस लीन है, पीस के बेसन बना लीन, अब पीस के पिसान बना के ओला पिठीकस बनाना। हाँ, पिठीकस बनाना, पतला नहीं करना है, चेत करे रही है भाई, पिठीकस बनाना। हाँ, पिठीकस बनाना है, गाढ़ा ही रखना है, ज्यादा उमा पानी नहीं डालना है। तैयार हो गए इसे लगा थे दीदी बफौरी। हाँ, तैयार हो गए, ये देखो। अच्छा दीदी, बफौरी के बनात ले आप कुछ तो एको दो ठन लाइन हमला सुनावा, हम सुने हैं कि आप बहुत अच्छा लिखता भी और बोलता भी। आवा सब वो बहनी मन मिलजुल के करबो व्यंजन मेला, तैयारी करबो एक दूसर सो सीखबो सबला सिखाबो। अरे वाह, तो व्यंजन मेला के तैयारी चला थे, मतलब है मेरा आगामी व्यंजन मेला के तैयारी हमारे बहनी मन करा थे और सीखबो और सिखाबो कहा थे। अच्छा, ये हमारे सुनीता दीदी भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ लिखते और बोलते भी, तो आवा तो दो चार लाइन तब तक यूँ इखरो से कुछ सीखी बफौरी के बफात ले। तो सुनीता बहनी लेवा सुनावा भाई दो चार लाइन। छत्तीसगढ़ी में तो बहुत कम ही लिखता मैं, हाँ हिंदी में ही ज़्यादा लिखता। ठीक है, हिंदी में भी सुनावा।
हिंदी में कविता मोर है नारी अस्मिता के ऊपर। नारी या स्त्री अपन पहचान पर कौन से तरह से परेशान रही थे, तो वही ला मैं सुनाता हूँ दो लाइन कि कौन हूँ मैं, मेरी पहचान क्या है, कौन हूँ मैं, मेरी पहचान क्या है, क्या मैं मंदिर में टंगी हुई घंटी हूँ या फिर पूजा की थाल हूँ, कौन हूँ मैं, मेरी पहचान क्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखा नारी अपन पहचान खुद खोजा थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ में रहवा, का मंदिर में टंगाए हवा तो घंटियों का जिला जे आते थे बजा थे और भगवान के सामने सिर झुका के चले थे। बहुत सुंदर सुनीता बहनी, और लगा थे कर संगे संग बफौरी भी हथियार हो गए। वाह, बहुत सुंदर बफौरी भफा के तैयार हुई से। हाँ अच्छा, आप एकर हमन ला गुण बतावा, हमार बफौरी के गुणवंता बफौरी जेला आप मन प्लेट में सजा के रखे हा, तो एकर गुण बतावा कि हमार लैका मन ला एकर से का फायदा हो सकत। आजकल के लैका मन हा मैगी या फास्ट फूड के तरफ जो भागा जाते हैं, ओखर हिसाब से मुला लगते कि हमार घर के ये स्वादिष्ट देसी स्वाद है ओखर मन पर बहुत फायदेमंद होही। काबर के मैं सबो मिंजरा दाल है और दाल में प्रोटीन और खनिज लवण दोनों मिलते, और सबसे बड़ी बात एमा तेल के उपयोग बिल्कुल नहीं किए गए है, यानी ये लो कैलोरी है, कैलोरी एमा बिल्कुल नहीं है। तो मोटापा आजकल जो बच्चा लैका मन में घलोक मोटापा के प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा थे, तो एला खाए से मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ा है। हाँ, और पौष्टिक तो है ही है और स्वाद घलोक वत की है। बहुत सुंदर, तो एकर से बच्चा मन के जो फास्ट फूड के तरफ आकर्षण कम होगी। और एला जैसे लैका मन आजकल हमार लैका मन खास करके छत्तीसगढ़ के बच्चा मन देखी है, तो जो बाहरी है चाउमीन है मैगी है फास्ट फूड है पिज्जा है ये सब ला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमार जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है जे है गुण से भरपूर है, जैसे छत्तीसगढ़ के माटी है वो है गुण से भरपूर है, अन्न के ऊपर उपजाते छत्तीसगढ़ के महतारी है ओखर गुण है बहुत ज़्यादा, वैसा टाइप के छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है वहू मन बहुत ज़्यादा गुणवंता है, स्वास्थ्य लेकर कहा कि सेहत ला लेके कहा है ना। परंतु ये हर आजकल हमार लैका मन खासकर दुरिया हुआ जा रहे हैं, तो हमार बच्चा मन ला ऐसे का कह के आप मन बोलता या खवाता या परस्था ओकर सामने मा कि ओ मन वाला स्वाद लेके खावाए और ओकर प्रति चिभिक भी ओ मन के बाढ़ है, जिला हमन अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहथन और छत्तीसगढ़ी में चिभिक कहथन, तो वो जो चिभिक है लैका मन के वह दुरिया जाते, तो का ऐसे करके करी जेकर से आप कबर के हमारा शुरू बताया कि आप प्रोफेसर भी हवा, तो बिल्कुल आप हमारे सुनैया संगी वाला संदेशा देवा कि का ऐसे करी जेकर से लैका मन के चिभिक हर एकर प्रति बाढ़ा। लैका मन ला कुछ भी चीज़ ला खवाए के पहले वो मन हाँ सबसे पहले ओखर स्वाद से ज़्यादा ओखर रूप ला देखते, तो आप स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज़ बनात हो तो ला ऐसे डेकोरेट कर दो सलाद के साथ या सब्जी के साथ, ताकि वो देख कर के ओखर मन में आए कि एला मोला खाना चाहिए। और मैं वही काम करता हूँ कि खाना ला बनाए से ज़्यादा मोर ज़्यादा महत्व रखते कि ओखर सजावट में आप ध्यान दो, कबर की सबसे पहली आदमी देखे के बाद फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कह जाते, यानी आपके खाना आप देखा थे और देखते ही मुंह में जब पानी आ जाते तो स्वाभाविक है ओकर स्वाद वैसे नहीं बढ़ जाते। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बताया आप मन। अंजिता आप बताओ कि लैका मन ना जो आजकल के भगत जात हैं खाना पीना से, तो ओखर से जो मन के सेहत में नुकसान होते हैं, माँ बाप तो परेशान है ही हैं कबर के बच्चा से सबसे पहले ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो आप ऐसे का उपाय बता सकत हो कि सुनैया संगी मतलब संदेशा देवा कि आप ऐसे करो कि बच्चा मन ओकर प्रति आकर्षित हो। मोर लैका मन बड़े वाले बेटा मोर कक्षा पाँचवी में है और छोटे वाले बेटा केजी वन में है, लेकिन वो मतलब मैं ये आदत डाले हूँ मन छत्तीसगढ़ी नाश्ता पसंद करते पता नहीं कैसे, तो ये मैगी चाउमीन तरफ ज़्यादा नहीं भागे और बोलते भी ना कि टिफिन में ले जाएंगे मम्मी, तो मैं बोलता हूँ कि उसे पेट नहीं भरता है बेटा, पेट भरते जिन ये सब आइटम है घर के जिन बने उमा पेट भरते, वो फास्ट फूड असन जल्दी पच भी जाते पाँच मिनट में और ये हर टिक थे। सबसे बड़े खर फायदा ये है हमारे घर के जिन सब छत्तीसगढ़िया व्यंजन के कि ये थोड़ा टिक थे मतलब लैका मतलब भूख नहीं लगे जल्दी, तो ये सबसे बड़े फायदा है और वो मतलब सेहत भी बर ठीक है और स्वास्थ्य सब अच्छा रहते सबसे नहीं। पर बच्चा मतलब एक तरफ ऐसे का कह के माँ मन
आकर्षित करें, काबर की लइका मन भागते जल्दी, ओ मन के मन में बस गए कि मैगी छमिठाते। तो ऐसे कुछ उपाय आप दोनों झन मिल के बताओ कि माँ मन ही सोचें समझें और लइका मन ओकर तरफ आकर्षित करें। का आप जैसे कि अभी बताए पेट भरते, तो हमार छत्तीसगढ़ी में एक ठो कहावत है, पेट भर गुण देवाए, तो पेट भर ही तो गुण दी। तो वही आप मन ऐसे कुछ दो शब्द दो लाइन कम से कम माँ मतलब बताओ कि ऐसे चीज़ करो भाई जेकर से उमन लइका मन आकर्षित। स्वाद के साथ सेहत ला घलोक हर मामन ला देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मोला तो ये लगते कि अपन लइका मन ला, जैसे हम छत्तीसगढ़ी हन, तो छत्तीसगढ़ी अपन खान पान और व्यवहार के प्रति होला हमन ला जागृत करे पड़े सिखाना है। और ये शिक्षा हमन ला बचपन से देना चाहिए, तभी वो मन है ये सब चीज़ ला जान पाही। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी फरा है, फरा का है मैगी के ही वो मोटा रूप है। लइका मन ला मैं ए तरह से उदाहरण दे के बताता हूँ कि जैसे मैगी है ओखरे मोटा रूप फरा है, तो फरा ला आप खाओ और चावल आटा के स्वाभाविक रूप से धान के कटोरा कहे जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ ला। तो हमारे यहाँ धान के उत्पादन बहुत ज़्यादा होते और वही चावल के बने फरा है, तो वहाँ पौष्टिकता घलोक है, सेहत घलोक है। तो ये चीज़ के तरफ हमला आगे बढ़ना होगी और अपन जड़ के तरफ या अपन जमीन के तरफ हमू मल्ला लौटे के जरूरत है। बहुत अच्छा बात बताई है हमार सुनीता बहनी मन कि जड़ और जमीन के तरफ वापस आवाओ और सेहत ला ध्यान रखते हुए और ये सबला परोसाओ और खवाओ लइका मल्ला, तो लइका मन स्वाद भी जान ही और अपन तरफ जैसे के खावाए अन्न और तैसे हुआ मन। बिल्कुल, तब मन खाना पड़ी जरूरी है। हाँ। खुद हम जिन काम ला करबो वही ला बच्चा मल्ला सिखा सकबो, तो मल्ला लेके चलना है अपन साथ, तो अपन सभ्यता संस्कृति अपन छत्तीसगढ़ के जिन चिन्हारी है वाला सब बताए के जरूरत है लइका मल्ला लइके ले। बिल्कुल, तभी तो जानी और तभी चिन्ही है ना, तो अपन संस्कृति कति वापस आना है और अपन संस्कृति और अपन आप ला चिन्हवाना है, अपन भूया से जोड़ना है अपन बच्चा मल्ला। आज बहुत अच्छा जानकारी दी है हमार सुनीता बहनी और अंजिता बहनी मन बफौरी के संग। तो आज के कार्यक्रम कैसे लगे संगी हुआ तेला आप मन बिल्कुल बताओ और चिट्ठी पत्री या फिर अपन आजकल जो सोशल मीडिया से जुड़े हुआ तेकर से जुड़ के बताना है कि आज के कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगीस और आप मन अपन राय बांट देवत रहो और हम मन ला बताओ कि आज के कार्यक्रम कैसे बनीस और एमा और का सुधार किए जा सकत है जेकर से हमार कार्यक्रम और ज़्यादा अच्छा लगे, काबर के देखैया मन बताते हैं कि का चीज़ ला देखे में ज़्यादा सुधार लगते। तो आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देहा आई आशा के संग आज के कार्यक्रम में देवा विदा और फिर अगला कार्यक्रम में जल्दी से मिलबो। तो झोंको अपन चित्रा बहनी के मैया प्रीत भरे राम राम जय जोहार।